मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में 3 दिनों तक होगी बारिश। यूपी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में कई दिनों तक बारिश हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई है। अब एक बार फिर से धूप निकलने लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दरअसल 10 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 6 और 7 मार्च को बारिश और बर्फबारी होने वाली है। इसके अलावा ओडिशा में 6 से 9 मार्च, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 से 8 मार्च को हल्की बारिश होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश होने वाली है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छटपट बर्फबारी संभव है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश बर्फबारी की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीद है और 7 मार्च तक जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के बनने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। इस कारणवश प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल के साथ सिवनी में लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम बदला हुआ है, जिसके चलते बारिश ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज भी प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार बन रहे हैं। राजस्थान के मौसम में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। मौसम कब कैसे पलटी में मार जाए कोई नहीं समझ पा रहा है। यहां तक कि मौसम विभाग भी इतने बदलावों के चलते हैरान है। भले ही मरुधरा में ठंड का मौसम गुजर गया हो, लेकिन सर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक 5 दिन बाद यानी कि 10 मार्च से 12 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार है। अगर राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो प्रदेशवासियों को आने वाले 7 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि आज 6 मार्च से राजस्थान में काफी हद तक मौसम साफ है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन इसके बाद मौसम एक बार फिर से तगड़ा पलटवार करेगा। पटना सहित 19 जिलों में बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसी बीच तापमान में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गोमार गौरव ने बताया कि आज भी बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। मंगलवार से आसमान साफ रहने का अनुमान है। बिहार के इन जिलों में आज होगी बारिश। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया में बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन और वज्रपात की कोई चेतावनी नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए UMB न्यूज़। नमस्कार।